हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे द पेंगुइन सीरीज के बारे में, जिसका एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आ चुका है। पर आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के बारे में, और एपिसोड 2 के बारे में हम अपने अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 का स्टार्टिंग होता है द बैटमैन के एंडिंग से, जहां दिखाया जाता है कैरवान फाल्कन का डेथ हो जाती है। अब आर्कम सिटी पे रूल कौन करेगा, तो वही बात चलती है न्यूज पे कि उसका बेटा अल्बर्टो फाल्कन उसकी जगह लेगा, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग्स एडिटर भी रहता है। फिर वहीं पेंगुइन को दिखाया जाता है जो सारी न्यूज को और सब चीज को सुनता रहता है। फिर वो एक लॉन्च में जाता है जो कि उनका पुराना अड्डा होता है, द आइसबर्ग लॉन्च। फिर वो वहां जाता है, वहां एक सेफ होता है, उसको वो तोड़ता है। उसमें से उसको कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो उसके काफी काम आएंगे, और एक ज्वेलरी का बॉक्स मिलता है। और वहीं ऑन स्पॉट उसका बेटा अल्बर्टो फाल्कन आ जाता है। फिर उन दोनों में एक लंबी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, जहां पेंगुइन उसके बेटे को ड्रग्स का ऑफर भी देता है, पर वो मना कर देता है। पर वो अपनी बातों ही बात में उसको शराब के लिए पूछ ही लेता है। फिर उन दोनों में एक लंबी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, और उसका बेटा अल्बर्टो फाल्कन पेंगुइन के बारे में मजाक उड़ा देता है। फिर वहीं पेंगुइन उसको ऑन स्पॉट मार देता है। पेंगुइन वहां अल्बर्टो को मारने के बाद उसके हाथ में से रिंग निकाल लेता है, और फिर वहां से वो बाहर जाने लगता है, तो देखता है उसकी कार को कई सारे बच्चे उसमें से पार्ट्स को चोरी करना चाहते हैं। फिर वहीं वो सबके ऊपर शूट कर देता है, और एक बच्चा वहां फंस जाता है। तो उसको वो मारने ही वाला रहता, तो बच्चा उससे कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपके लिए जो काम कहोगे वो करूंगा। तब पेंगुइन उसके साथ अल्बर्टो को उठा के अपनी गाड़ी में रखवाता है, और फिर वहां से वो सब चले जाते हैं। फिर वहां एक जेल में जाते हैं जिसमें वो कारमाइन से मिलता है, जो कि फाल्कन की अपोजिट गैंग होता है, और उनके साथ वो डील करना चाहता है। तो डील तो बनती नहीं है, पर वहां वो जो रिंग को वो अल्बर्टो से लिया रहता है वो कार्बाइन को दे के आ जाता है। फिर वहां से दिखाया जाता है कि उसकी माँ के बारे में, पेंगुइन की माँ के बारे में, जो कि एक तरीके से हालत सही नहीं रहती है उनकी, और फिर वो सबसे उनको छुपाया हुआ रहता है जिससे कोई उसे जान ना सके कि उनकी माँ भी जिंदा है। फिर वो वहां से फाल्कन के घर जाता है, और फाल्कन लोग पेंगुइन से बोलते हैं जो बिजनेस तुम कर रहे हो उसको तुम बंद कर दो। पर वहीं पेंगुइन उसको बताता है कि मैं एक डील के बारे में बताता हूँ जो कि काफी बड़ी डील होती है, और वो ड्रॉप्स के बारे में होता है, एक ड्रग्स के बारे में होता है। तब तक वहीं सोफिया आ जाती है पीछे से, और सोफिया पेंगुइन से मिलते ही बोलती है कि अल्बर्टो को तुमने देखा है, कल से ही वो दिखा नहीं है। और सोफिया, आपको मैं बता दूं, सोफिया क्या बोलते हैं, एक तरीके से साइको गर्ल होती है जिससे लोग बहुत डरते हैं। फिर वहां से पेंगुइन उसको कहता है कि नहीं, मेरी अल्बर्टो से कोई बात नहीं हुई है, और वो वहां से चला जाता है उसको देख के। पर सोफिया बाहर जाके उसको रोकती है, और उसको बताती है कि जो ड्रग्स के बारे में तुम बात कर रहे थे उसके बारे में मुझे और अल्बर्टो केवल पता था, तुमको कैसे ये बात पता चली। तो पेंगुइन उसको बताता है कि अल्बर्टो से मेरी बात हुई थी, अल्बर्टो ने मुझे बताया था। और सोफिया पर उसके ऊपर शक करने लगती है, और पेंगुइन समझ जाता है, पर वहां से वो चला जाता है। फिर वो जो लड़के को पकड़ा था पेंगुइन, उसके साथ वो एक प्लान बनाता है। उसके बाद सोफिया तब भी पेंगुइन के ऊपर वो शक करती है, और वो पेंगुइन को किडनैप करवा लेती है। किडनैप करवाने के बाद वो उसके ऊपर टॉर्चर करती है, और उससे पूछती है कि अल्बर्टो कहाँ है। पर पेंगुइन पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ रहता है। फिर कुछ ही देर बाद उसके घर के बाहर एक कार आती है जिसके डिग्गी के अंदर अल्बर्टो रहता है, और वो मरा हुआ रहता है, और उसकी एक उंगली भी नहीं रहती जिसमें वो रिंग पहना हुआ रहता है। पर उसके डिग्गी पे लिखा होता है पे बैक। फिर वहीं सोफिया उसको देख के चिल्लाने लगती है, पर एक सीन दिखा जाता है, फिर वहीं पेंगुइन स्माइल करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे सारा शक कार्बाइन के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर कोई शक नहीं रहेगा, और एपिसोड 1 वहीं खत्म हो जाता है।